क्या आप ये जानते हैं रोटी भी कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बन सकती है? ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि हाल ही में हुई एक रिसर्च में इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं। और रिसर्च में कहा गया है कि गैस चूल्हे से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैस निकलती है जो कैंसर और दिल की बीमारियों को खतरे को बढ़ाती है। अब रिसर्च में ये कहा गया है कि जब रोटियां गैस की लपटों के सीधे संपर्क में आती हैं तो ये एक्लमाइट नाम का केमिकल बनाती हैं, और जब खाना गैस की सीधी लपटों पर ही पकाया जाता है तो कार्सिनोजेन्स उत्पन्न हो जाते हैं। अब कैंसर का ये प्रमुख कारण होते हैं। इसी के तहत इस रिपोर्ट में जो रिसर्च की गई है उसके बाद बड़े दावे किए गए हैं। हालांकि इस रिसर्च में किए गए दावे की इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से इस रिसर्च को अंजाम दिया गया है उसमें क्या सामने आया है ये देखिए। अब रोटियों को ज्यादा आंच पर पकाने से जिस तरीके से कार्सिनोजेनिक बनता है उसको लेकर ये बड़े दावे किए गए हैं। एलपीजी गैस से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और कार्सिनोजेनिक से सांस लेने में दिक्कत होती है। कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा इस लिहाज से और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि ये समझना भी बहुत जरूरी है कि रोटी पकाने का सही तरीका क्या होता है। आप और हम सब घर में खाना बनाते हैं और सबके अपने अपने तरीके भी होते हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा तरीका है जिसको लेकर ये रिसर्च की गई है। इसलिए आज हम आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेकर सही तरीका क्या है, क्योंकि जिस आँच पर खाना पकाया जाता है रोटी से की जाती है उसको लेकर इस रिपोर्ट में दावे किए गए हैं कि 15 से 20 मिनट पहले, हालांकि ये कहा जाता है कि अपने डो को रेडी कर लिया जाए यानी आटे को गूंद कर रख लिया जाए, और हल्की आंच पर ही इसे तवे पर सेकने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अगर इसे डायरेक्ट आप चूल्हे पर सेकते हैं तो जाहिर सी बात है रिसर्च के आधार पर इसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। अब तवे पर अच्छे से सेकने के बाद ही इसमें अगर आग पर पकाया जाए आखिर में तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन हालांकि रोटी को अंदर से पकाने की वजह से ही ये एक सही तरीका बताया गया है। और कुछ लोग हालांकि जिस तरीके से रोटियों को एल्युमिनियम फॉइल में लपेट कर रखते हैं उसको लेकर भी बड़ी बातें कही जा रही हैं, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि खतरा इससे भी और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल से ही जिस तरीके से ये खतरा बढ़ता है उसमें हड्डियों पर इसका असर अभी तक रिसर्च के आधार पर देखा गया है। अल्जाइमर की समस्या को लेकर भी खतरा हालांकि जताया जा रहा है और WHO भी इसको लेकर पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में की गई रिसर्च के आधार पर ये जो बड़े दावे किए गए हैं उसी आधार पर ये कहा जा रहा है कि इन छोटी छोटी बातों का रोटी बनाते वक्त आप ख्याल जरूर रखें।